आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम का ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको अगर सुपर टेट और यूपी टेट यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको फार्मूला इसका याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इसमें मैं आपको पहले एक मतलब कि शॉर्टकट कैसे किया जाता है उससे बताऊंगा, और फिर मतलब कि बेसिक से कैसे किया जाता है समझ समझ के उससे भी बताऊंगा, ठीक है। दोनों तरीका बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या दे रखा है? भाजक भागफल का 8 गुना है तथा शेषफल का 4 गुना है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है? शेषफल दे रखा है, मतलब कि इसमें एक संख्या जरूर दे रखी होगी जो कि शेषफल ही दे रखा होगा। शेषफल दे रखा है इसमें 12, ठीक है। अब इसमें क्या है? भाजक जो है भागफल का 8 गुना है, ठीक है, और शेषफल का है कितना? 4 गुना। मतलब कि अगर शेषफल 12 है तो शेषफल का 4 गुना कितना हो जाएगा? ये 48, बात चौके 48, ठीक है। अब ये 48 और ये मतलब कि भाजक है भागफल का 8 गुना, मतलब कि भाजक है भागफल का 8 गुना। अब ये है 48 एक्स इंटू 8, 8 छंग 48, तो ये हो जाएगा x बराबर 6, मतलब कि भागफल कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इसको 6 से गुणा कर लेंगे प्लस 12, ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब ये इसको इससे गुणा करेंगे, 6 अट्ठे 48 की 8 4, 6 चौके 24, 24 और 4 28 प्लस 12 88, 288 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 300। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेते हैं, इसमें आंसर आ गया 300। अब इसको बेसिक क्या करना होता है? बेसिक समझना होता है, इसमें इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे कि दे रखा भाजक भागफल का 8 गुना है, ठीक है, और यही भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है, ठीक है। अब शेषफल दे रखा 12 इंटू 4, तो मतलब कि भाजक कितना आ जाएगा? भाजक आ जाएगा 48, ठीक है। अब इसमें भाजक आ गया 48 इंटू एक्स इंटू 8, 8 छंग 48, तो अब भागफल कितना आ जाएगा? मतलब कि x जो मान रखा भागफल आ जाएगा इसमें 6, और इसको यही जो मतलब कि भागफल आ गया 6, भाजक आ गया 48, शेषफल दे ही रखा इक्वेशन में, सॉल्व इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या कर देंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो शेषफल कितना दे रखा? 12, भाजक कितना है? 48 इंटू से, और भागफल कितना आया? 8, 6 आया भागफल, भाजक आया 48 प्लस 12, ठीक है, 12 शेषफल आया कितना? 12, ठीक है। इस प्रकार के अगर अब ऐसे सॉल्व करके गुणा करके कितना आ जाएगा? 300 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को मतलब कि ये भाज्य निकल आया 300। क्वेश्चन को इस प्रकार से ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपके लिए इसी प्रकार के शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन लाता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।